बिहार में कार्यरत तमाम संविदा कर्मी कर्मचारी भाई बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है सरकार की तरफ से। दोस्तों आप लोग देखा होगा कि हम लोगों का जो भी संविदा कर्मी है या कर्मचारी है, बिहार में आवंटन होने के बावजूद भी कई महीनों तक पेमेंट नहीं किया जाता है विभाग के द्वारा। जो यह विभागीय बहुत ही हम कहेंगे कि सरकार का यह फेल्योर है या विसंगतियां है, तो इसको दूर करने का जो बराबर इसके लिए काफ़ी विभाग को शिकायतें मिल रही थी लगातार कि आवंटन होने के बावजूद भी कर्मी या कर्मचारी जो भी संविदा कर्मी कार्यालय में या ऑफिस में कहीं भी कार्यरत है, आवंटन होने के बावजूद भी उसको समय पर वेतन नहीं निर्गत किया जाता है। आवेदन मिल रहे थे, शिकायतें मिल रहे थे कि कर्मी को काफ़ी जो कम मानदेय पर काम करते हैं वो, और फिर उसको समय पर वेतन नहीं मिलते हैं, जिससे उनमें भुखमरी की समस्या, यहाँ क्योंकि कम मानदेय होता है और समय पर जब मानदेय नहीं मिलता है तो काफ़ी समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक लेटर जारी किया है, जो आगे हम आप लोग लेटर के माध्यम से देखेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों से विनम्र आग्रह करेंगे कि जो भी साथी अभी तक इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आगे भी इसी तरह की तमाम संविदा कर्मी से जुड़ी खबर को पाते रहने के लिए दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट कर ले, ताकि भविष्य में आने वाली इसी तरह की सभी खबर दोस्तों आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों हम लोग वह लेटर देख लेते हैं, इसमें क्या विभागीय गाइडलाइन जारी किया गया है और वह अब कितने दिनों के अंदर में सभी कर्मी को वेतन अब मिलने वाली है। तो दोस्तों आप लोग यह लेटर देख रहे होंगे जो बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा जो है प्रेषक इसका संजय कुमार है, अपर सचिव सह निदेशक प्रशासन सेवा में सभी क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक उप निदेशक सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पटना दिनांक 22/7/2024 को यह लेटर जारी किया गया है विभाग की तरफ से। तो दोस्तों यहां पर विषय है आपके कार्यालय में कार्यरत सभी नियमित कर्मियों के साथ साथ संविदा पर कार्यरत कर्मियों का वेतन मानदेय का भुगतान संगत माह के प्रथम 8 कार्यालयी दिवसों में करने के संबंध में, यानी कि अगर आप जनवरी से काम कर रहे हैं और फिर आपको फरवरी में जो 8 कार्यालय दिवस होगा उसके अंदर आप लोगों का जो है वेतन देने का यह निर्देश जारी किया गया है। महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में निर्देशानुसार कहना है कि विभाग में कार्यरत नियमित एवं आउटसोर्स संविदा पर कार्यरत कर्मियों से प्रायः शिकायतें प्राप्त हो रही है कि उनका वेतन मानदेय बिना समुचित कारणों के आपके द्वारा कई महीनों तक लंबित रखा जा रहा है। आवंटन की अनुपलब्धता के अतिरिक्त अगर किन्हीं अन्य कारण से किसी भी कर्मी का वेतन लंबित रखा जाता है तो जितनी राशि का भुगतान लंबित है उस पर सूद का देय सहित संपूर्ण जवाबदेही संबंधित प्राधिकारी आउटसोर्सिंग एजेंसी पर निर्धारित करते हुए समुचित दंडात्मक विभागीय कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह से विभाग को यह लेटर जारी किया गया है कि अगर आवंटन के बावजूद भी अगर किसी भी नियमित कर्मी या आउटसोर्स से जो संविदा पर कार्यरत कर्मी है उनको समय पर अगर वेतन नहीं दिया जाता है तो जो भी विभाग का जो भी पदाधिकारी होंगे उसके ऊपर समुचित दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और यहां तक कि उसको जुर्माना भी भरना अब पड़ सकता है। तो अब वेतन रोकना पदाधिकारियों के लिए बहुत ही महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि ऐसा एक लेटर जारी कर दिया गया है विभाग की तरफ से कि अब कोई भी पदाधिकारी बिना कारण किसी भी विभाग का जो भी संविदा कर्मी है या नियमित कर्मी है उसका वेतन नहीं रोक पाएंगे। यदि आपके कार्यालय में आवंटन का अभाव हो तो समय रहते इनकी मांग संबंधित निदेशालय एवं विभागीय बजट शाखा से करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि समय से वेतन मानदेय का भुगतान किया जा सके। अगर ऐसा भी निर्देश दिया गया है सभी विभाग के पदाधिकारियों की, अगर आपको लगता है कि हमें आवंटन का अभाव है और समय से इसको कैसे उपलब्ध कराएं, तो इससे पहले ही आपको उस विभाग के जो है बजट शाखा उसको आपको सूचित करना होगा, और सूचित करने के बाद अगर आपको समय से वहां पर आवंटन किया जाएगा। इसीलिए अगर ऐसा कोई भी इसमें कोताही करते हैं पदाधिकारी तो उसके लिए यह बहुत ही कड़ा निर्देश अपर सचिव सह निदेशक संजय कुमार के द्वारा यह लेटर जारी किया गया है।
आपको निर्देश दिया जाता है कि आप अपने कार्यालय में कार्यरत सभी नियमित कर्मियों का साथ साथ संविदा पर कार्यरत कर्मियों का वेतन मानदेय का भुगतान संगत माह के प्रथम 8 कार्यालय दिवसों में कराना सुनिश्चित करें। 8 कार्यालय दिवस का मतलब हुआ कि अगर बीच में संडे पर जाता है तो उसको छोड़ करके, या कोई छुट्टी होता है, क्या कोई सार्वजनिक हॉलीडे होता है तो उसको छोड़ करके 8 कार्यालय दिवस में जो ऑफिस खुले रहते हैं इन दिनों के अंदर में जो है कर्मी, जो भी नियमित कर्मी संविदा कर्मी है, उसका वेतन अब जारी करने का निर्देश दिया गया है विभाग की तरफ से। और अगर समय से वो वेतन नहीं देते हैं और जो भी उसने दिनों का सूद होगा ब्याज सहित उनसे जोड़ करके उन पदाधिकारी और उन विभाग के जो पदाधिकारी है उनसे लिया जाएगा विभाग की तरफ से। तो दोस्तों, यह संविदा कर्मी एवं जो बिहार में कार्यरत तमाम जो कर्मी है उसके लिए बहुत खुशखबरी निकल के आ रही है। सरकार के द्वारा यह गाइडलाइन लेटर जारी किया गया है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों को इस लेटर के माध्यम से जानकारी मिल गई होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।